हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में कैनरा बैंक के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इसका रिजल्ट आया था 25 जून को और आफ्टरनून में इसका रिजल्ट आया है। और साथ में आपने ये जो प्राइसेस अभी आप देख रहे हैं, ये 104.80 है, ये आज की क्लोजिंग के प्राइसेस हैं। और शेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4% से भी ज्यादा नीचे की ओर गिर गया है और ये 4% से ज्यादा गिर करके आज बंद हुआ है। क्या वजह है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक नजर हम डालते हैं इसके एक साल के प्राइस पर और आज के प्राइस पर। तो हम देखते हैं कि एक साल पहले इसका प्राइस क्या था। एक साल पहले इसका जो हाई इसने बनाया था वो 273.95 बनाया था आज ही के दिन, और आज इसने जो हाई बनाया है वो 106.35 है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको लगभग 61% का लॉस हुआ है। तो दोस्तों, ये PSU बैंक है। जैसा कि आप जानते हैं, PSU बैंक्स में NPS की हमेशा से प्रॉब्लम रही है और उसकी वजह से यहाँ पर जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट ठीक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनका EPS कम होता चला जाता है और उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इनके प्राइसिस पर आता है। और अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें लॉस मिलता है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि 60% से भी ज्यादा इसकी प्राइस में कमी आई है। एक नजर हम डालते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पर और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बैंक ने लगभग 225 टू 230 के करीब इसने हाई बनाया था दिसंबर 2019 में, और उसके बाद में इसमें एक डाउनफॉल आया और एक पैनिक सेलिंग आई। जैसा कि आपको मालूम है, फरवरी के स्टार्टिंग में जब COVID-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके बाद में शेयर कंटिन्यूअसली नीचे चला गया। हालांकि उसके बाद में अप्रैल के फर्स्ट वीक में थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में आई है और इसकी वजह से इसमें भी थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी आई है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि अभी तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये शेयर बॉटम आउट हुआ है या नहीं हुआ है। और हमारी चिंता हमेशा यही है, अपने इन्वेस्टर्स को ये बताना, अपने शेयर होल्डर्स को ये बताना कि आपको किसी भी शेयर में तभी इन्वेस्ट करना है जब वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो गया हो। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे, इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है 160, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 100 के करीब चल रहा है, 104-105 के करीब, और इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 90.22 पर है। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूं, तो 90.22 पर इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज है इसका 100 पर। तो यहां पर एक अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ता है या नहीं है। ऑलरेडी ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और यदि ये 50 डेज मूविंग एवरेज को यानी 90 को यदि तोड़ता है, क्योंकि आज इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो अभी आप कह नहीं सकते कि ये और कितना नीचे जाएगा और कब ये बॉटम आउट होगा। तो फिलहाल जो हमारी समझ से यही है कि अभी इसमें फ्रेश पोजीशन लेने से कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं अपना और भी एनालिसिस, और एक नजर हम डाल लेते हैं इसके RSI पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RSI काफी ज्यादा वीक हो गया और नीचे की ओर पॉइंट बना लिया है इसने, यानी कि ये जो अभी इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, यानी वीक हो गई है, और ये अब उल्टी डायरेक्शन में जा सकता है, यानी नीचे की ओर ये जा सकता है। और यदि इसने अपना 20 डेज मूविंग एवरेज को, जैसा कि आप देख रहे हैं 20 डेज मूविंग एवरेज इसका 100.80 पर है, तो यदि ये तोड़ता है तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़े जो कि 90 पर है। और यदि वो 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कब वो बॉटम आउट होगा और कब वो कंसोलिडेट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RSI काफी ज्यादा वीक है। एक नजर हम डाल लेते हैं इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर, उससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो मोमेंटम है स्टॉक में वो किस तरह से रहा है। तो आप इसकी इसको भी देख लीजिएगा कि जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा जबरदस्त मोमेंटम आया था इसमें अप्रैल के बाद में, और ये 80 के ऊपर गया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं वो 80 की जो इसने लाइन है उसको ब्रेक कर दिया, नीचे की ओर पॉइंटेड 78.99 पर है, और आज मार्केट में ये नीचे गिरा है 4% से भी ज्यादा नीचे। तो आप देख रहे हैं, आप ये देखिएगा कि आज ये नीचे खुला काफी, हालांकि ये ऊपर तक गया और 105.25 के करीब ये बंद हुआ है, लेकिन यदि आप उसकी कल की जो क्लोजिंग देखेंगे तो उससे नीचे है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको
एक नीचे की तरफ बना हुआ है और इसका जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम है वो भी काफी ज्यादा वीक हो गया, यानी इसका मोमेंटम अभी जो अप्रैल से शुरू हुआ था वो खत्म हो गया है। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम जान लेते हैं इसके अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इसके लिए हम अपने तीन पैरामीटर्स लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के केसेस में हम नेट इंटरेस्ट इनकम लेते हैं रेवेन्यू की जगह, और एपिटा की जगह हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम Q4 FY19 में 4095 था, जो कि घट करके अभी 33519 हो गया है ना। इसमें लगभग 14% की गिरावट आई है इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में। ये आप देख रहे हो 14.0% से भी ज्यादा की इसमें गिरावट आई है। कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यदि जो इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट से भी आप देखेंगे, तो इनका जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है उसमें लगभग 10.78% की कमी आई है। रिटेल बैंकिंग रेवेन्यू इनका बढ़ा है लगभग 15% से। कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग रेवेन्यू इनका कम हुआ है लगभग 12% से। और इनका जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें इन्होंने लगभग 12.5% का इंक्रीज किया है ईयर टू ईयर बेसिस पर। इनके कुछ चीजें इनकी अच्छी है कि इन्होंने जो अभी अपना डिपॉजिट इनके पास बढ़ा है 4.39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका डिपॉजिट बढ़ा है, और साथ में इन्होंने जो एडवांसेस दिए हैं वो भी 1% के करीब ईयर टू ईयर बढ़े हैं, जिससे कि इनको नेक्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम इनका आएगा। यहाँ पर यदि हम देखें, जो मॉरिटोरियम की स्कीम लेकर के आई थी RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने बताया है कि इनके पास 17% के करीब बुक्स हैं। जो टोटल बुक है वो लगभग 17% है, और मॉरिटोरियम का जो SME है वो 38% है, कॉर्पोरेट लोन 6% है, NBFC 3% है, और रिटेल लोन लगभग 28% है। तो ये इसका बाइफरकेशन है मॉरिटोरियम का। और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो इनका जो अभी कॉर्पोरेट बुक्स है वो कंफर्टेबल पोजीशन पर लग रहा है, और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। हालांकि वो ये सोच रहे हैं कि जो बोरोवर्स हैं उनको यदि एडिशनल फाइनेंसिंग की जरूरत होगी तो वो देंगे, और उससे इनके जो जो मॉरिटोरियम के अंदर जो बुक्स है उसमें कमी आएगी। तो ये बैंक का ऐसा सोचना है। तो ये थी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात, यानी कि रेवेन्यू की बात किसी भी बैंक के लिए। और हम देखते हैं नेट प्रॉफिट की बात। तो यहाँ पर लास्ट ईयर Q4 FY19 में 481 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़कर के अब 3208 करोड़ का लॉस हो गया है। तो एक जबरदस्त इसमें लॉस इनका बढ़ा है, और ये बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इनको। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, PSU बैंक का। और यदि हम लेते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में Q4 FY19 में 5.05% था, अब ये घट करके 4.23% हो गया, यानी कि इसमें एक 82 BPS की बढ़ोतरी हुई है। वो एक अच्छी बात है बैंक के लिए। तो यहाँ पर बैंक ने ये बताया है, इनकी जो रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 8.24 हो गया है, जबकि लास्ट ईयर ये 8.40 था। तो ग्रॉस में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसमें लगभग 82 BPS की कमी आई है, और ये एक अच्छा साइन है। अच्छा, बैंक ने ये बताया है कि जो इन्होंने प्रोविजंस हैं, और जो प्रोविजंस और कंटिजेंसीज है वो उन्होंने 5,360.47 करोड़ का इस बार प्रोविजंस किए हैं, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने 5,636.80 के करे थे, यानी कि लगभग 300 करोड़ के इन्होंने प्रोविजंस किए कम किए हैं। और इनका जो PCR है, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, वो 75.86 है। इन्होंने कम प्रोविजन दिए, इससे ये पता चलता है कि इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि इनके जो लोन्स की क्वालिटी है वो ठीक है। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो लगभग 13.72% है, और CET1 रेशियो 9.47% है। एक नजर डाल लेते हैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है, इन्होंने बताया कि 2.2% से 2.5% है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.35% है, जो कि अच्छा है। नॉट नेट इनकम
नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.35% है, जिस पर कि बैंक बिजनेस करता है, लोन लेकर के वो लोन देता है, तो ये इनका अच्छा 2.35%। अच्छा, बैंक ने ये बताया कि उनकी 8 सब्सिडरीज हैं, और फिलहाल अभी बैंक ने जो कैपिटल रेज की बात हो रही है बैंक को सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें लॉस बढ़ता चला जा रहा है, तो इनके पास एक जो अच्छी कंपनी है कैंफिनोम्स के नाम से, तो अभी उन्होंने उसके बारे में डिसीजन नहीं किया है कि उसका वो स्टेक सेल करेंगे या नहीं करेंगे, और वो ये कर सकते हैं। तो कैंफिन होम्स एक प्रकार से खबर में रहेगा, चर्चा में रहेगा, हमें उसके तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक का इरादा है उसमें वो कभी भी डाइवेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, बैंक की जो मीटिंग है 2nd वीक ऑफ जुलाई में है, वो कैपिटल रेजिंग के बारे में, और वो देखेंगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से वो किस तरह से पैसा और उगा सकते हैं। साथ में एक और बैंक ने बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई है कि इन्होंने TLTRO जो 1 एंड 2 था, जो RBI की एक स्कीम होती है, इसमें TLTRO में क्या होता है कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये RBI ने ऐसा एक स्कीम निकाली थी। तो जनरली क्या होता है कि आरबीआई तो किसी बैंक को लोन दे नहीं सकता है, तो वो क्या करता है कि वो बैंक को पैसा देता है, और उसके बदले में वो बॉन्ड्स देता है। तो जैसे कि इसमें आपको आपने देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेट इन TLRO बैंक 2350 एंड मोस्ट ऑफ द मनी इज डिसबर्स टू NBFCs, यानी कि NBFCs के इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, और वो बॉन्ड्स जो इन्होंने 2350 करोड़ के खरीदे हैं उसका इन्होंने पैसा दे दिया, मतलब इनके पास वो बॉन्ड है, यानी 2350 करोड़ रुपए इनके पास है जिसका ये यूज कर सकते हैं अपने क्रेडिट फाइनेंसिंग में, अपने लोन देने में। तो ये जो TLTRO की स्कीम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक अच्छा टर्म है, नया टर्म है फाइनेंसिंग में, इसको हम बोलते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये RBI ने शुरू किया था। तो ये रहा हमारा कैनरा बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके समरी पर, देखते हैं कि क्या इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया या नहीं। तो यहां पर हम जो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, इसने 14% की कमी की है अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम में, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर भी इन्होंने मिस किया है, क्योंकि तो इसमें 39% से भी ज्यादा का इसमें लॉस हुआ है। और यदि हम बात करें नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो इसमें इन्होंने बीट किया है, क्योंकि इन्होंने 82 बेसिस पॉइंट का फायदा किया है, और अपने नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी लाई है। एक नजर डाल लेते हैं हम इसके 1 वीक के ट्रेडिंग सेशंस पर, तो आज 25 जून को इसमें 3 करोड़ 64 लाख से भी ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है, आज इसका रिजल्ट आया। और कल 24 को इसने हाई बनाया था 118.30 का, और उसके बाद में वो कल ही वो गिरा भी था, और कल 118 का हाई बना करके वो 109.5 पर बंद हुआ था, गिर करके बंद हुआ था, लेकिन कल भी इसमें लगभग 2 करोड़ 96 लाख की ट्रेडिंग हुई थी। और एक नजर डालते हैं इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो जैसा कि आप जानते हैं ये PSU बैंक है, 78.55% प्रमोटर्स के पास है, जो FIIs हैं उनके पास 2.6% है, और म्यूचुअल फंड्स और अदर FII इंश्योरेंस कंपनीज के पास में लगभग 11.75% का शेयर्स है, और जो फ्री फ्लोटिंग शेयर है वो 7.1% है। एक नजर हम इसके पीयर्स पर डाल लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स पर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगभग बराबर है, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक इनसे काफी अच्छा है। और पी रेशो का फ्रेंड्स अभी डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी ये मार्केट का रिजल्ट आया है। तो ये था कैनरा बैंक का अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।